सो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले ओजी इलीट एंड टोटल गेमिंग के बारे में, जो अब टीम माफिया हो चुके हैं। सो गाइस, आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल ओजी इलीट अपना ड्रॉप पे छोड़ के मिल पे आगे वो लोग फाइट ले रहे हैं टोटल गेमिंग या फिर टीम माफिया से। तो गाइस, ऐसा ओजी इलीट क्यों कर रही है? सो गाइस, उसका ऐसा रीज़न हो सकता है, क्या पता ओजी इलीट अपना ड्रॉप लोकेशन चेंज करना चाहती हो और वो अपना ड्रॉप लोकेशन मिल को करना चाहती हो। क्योंकि गाइस, आप लोगों ने देखा होगा कि ओजी इलीट को केप टाउन पे बहुत ज़्यादा क्लैशेस देखने पड़ते हैं एंड उन्हें अर्ली एलिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। सो गाइस, आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? क्या ओजी इलीट अपना ड्रॉप लोकेशन चेंज करना चाहती है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड गाइस, आप वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, हम लोग 2K के बहुत ज़्यादा करीब है। तब तक गाइस, आप लोग वीडियो कंटिन्यू करो। आरटीपी अगर कोशिश भी ना करे तो कहीं ना कहीं बेहतर रहेगा, लेकिन अब टीजी के सामने सबसे बड़ी संकट है जिसका नाम है ओजी इलीट। जी यहाँ पे देखा जाता फिलहाल तो ओजी इलीट की प्लेस काफी ज्यादा घेराव बना के बैठे हुए, वो मुश्किल में डाल चुके पूरी की पूरी दाम वापस को। बिल्कुल भी कैसे उम्मीद नहीं करी थी कि ओजी यहाँ पे रोटेशन लेके इस एरिया में आ जाएगा, लेकिन कल सरप्राइज आजकल बहुत ज्यादा करी ओजी लीड को हर एक टीम से बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि एकदम गलत देखा तो हर एक टीम के ऊपर अटैक कर रहे। आज तक बिल्कुल अभी तक समझ नहीं पाया हम कि क्या क्या रोटेशन रहती है, लेकिन जहाँ पे आरडीपी का नॉकआउट आएगा और गाइस रोहित यहाँ पे चार्जिंग करके, रोहित पर बात करें तो रोहित यहाँ पे बहुत ज्यादा मेन प्लेयर होने वाले, उनको पता है कि किस तरह से यहाँ पे काम चलता है क्योंकि एक्स टीजी के प्लेयर है। तो गाइस, आपको पता है जब आप टीजी के एक्स प्लेयर होगा तो आपकी उनकी स्ट्रेटजी के बारे में भी पता रहेगा, लेकिन इसमें देखा जाए तो आप तनेजा ओपी क्लोजिंग करेंगे। तनेजा ओपी के पास यहाँ पे बहुत बड़ी एडवांटेज है क्योंकि उनको पीछे से यहाँ पे कवर भी मिल रहा है, यहाँ पे प्लेस को भी डाउन करा जाएगा। इन गाइस फुल टू फुल यहाँ पे वादा मिला ओजी इलीट को, 4 किल यहाँ पे कंफर्म कर चुका है। लेकिन गाइस, यहाँ पे अच्छी बात यह है कि माफिया बने ने एंड टाइम पे अपने एक प्लेयर को रिवाइव देता था, तो गाइस वो अभी तक यहाँ पे सर्वाइव करेंगे करेंगे। लेकिन गाइस, यहाँ पे क्या बॉट कर पाएगी उन्हें ये क्वेश्चन रहेगा। ओजी इलीट वाकई में इसमें 4 किल को मिल चुके हैं। एंड गाइस, यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये देखने वाली ब्लड की, यहाँ बचा के टोटल गेमिंग को एलिमिनेशन के कगार पे लेकर आए तो उससे साफ सीधी नजर है कि एकदम रश के पे दिखाएगी पहले मैच से। एग्जैक्टली, देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि माफिया बचने की कोशिश बिल्कुल करके आरटी को रिवाइव मिल चुका है, और आई थिंक सो पहाड़ी अभी तक माफिया को स्पॉट नहीं करे, माफिया अपने आप में ही थोड़ी सी मतलब बैठे ना संकट पूर्ण के हिसाब से बैठे हुए, आई थिंक सो ये फॉल बैक करना चाहेंगे और कोशिश ये करेंगे कि अपने जो बाकी प्लेयर है वो थोड़ी सी रिवाइवल पॉइंट पे आएंगे, क्योंकि ड्रैगो चेस देखिए लूट के तरफ पे देखिए रुत बदलते हुए नजर में आएंगे, जोन के बिहाफ पे ये किस तरीके से लूट अपना बरामद करेंगे, थोड़ी सी फाइट पर नजर डालेंगे, उसके बाद चलेंगे हम लोग दूसरी फाइट के पास। अब